नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर बाईपास स्थित हाईवे इन रेस्टोरेंट पर बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार से विगत दिनों फायरिंग हुई थी। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। उपरोक्त संदर्भ में अभियुक्त प्रवीण मिश्रा की जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय के अदालत में प्रस्तुत हुई, जिसके विरोध में अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा प्रवीण मिश्रा के गंभीर आपराधिक इतिहास के साथ अन्य महत्वपूर्ण दलीलें दी गईं। अधिवक्ता विकास सिंह के दलीलों को संज्ञान में लेकर न्यायालय द्वारा प्रवीण मिश्रा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी गई। जी, पूरा परिचय। मेरा नाम विकास सिंह, अधिवक्ता बनारस कचहरी। रेस्टोरेंट में वीडियो वायरल हुआ था, गुंजी का क्या है मामला? विगत दिनों हाईवे इन बाईपास पे प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसकी प्रथम जमानत पत्र आज एडीजे सेकंड में दाखिल हुई, जिसका विरोध मैंने किया है और माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न मुकदमों की लिस्ट के आधार एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुए उनकी बेल को खारिज की गई। तो कितने दिन पुराना मामला ये है? ये विगत दिनों हमें लग रहा है कि 2 महीने पहले की ये घटना है। कौन कौन लोग शामिल थे, कितने लोग? इसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें शिवम सिंह और 2 अज्ञात के नाम पे मुकदमा दर्ज था। बाद में प्रवीण कुमार का नाम भी संलिप्तता में आई। किस थाने मामला था? थाना रोहनिया का मामला। और कौन कौन धाराएं लगा थी इसमें? 307 की धाराएं लगी थी, जिसमें खोखा बरामद हुआ।